के प्रेयर मीटिंग लगती है, पूरा वर्ल्ड उनके लिए प्रेयर कर रहा है, बहुत सैडनेस है, म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरी सैड हो चुकी है इस वक्त ये जो इंसिडेंट हुआ. आप यू नो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, महाराष्ट्र से आज पहली प्रेयर मीटिंग हो रही है सिद्धू मूसेवाला जी के लिए, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से? इट्स अ वेरी सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आज ये प्रेयर मीटिंग हम उस इंसान के लिए रख रहे हैं जो आज भी हमारे बीच में कहीं ना कहीं पे ज़िंदा है. हम नहीं बोलेंगे कि वो लेट सिद्धू मूसेवाला है, अमर ही रहेंगे, लेजेंड्स नेवर डाई. उन्होंने उनके साथ जो हुआ है, जो किया गया है, आज 29 मई को जो उनको इतनी ब्रूटली उनका मर्डर कर दिया गया, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम में ख़राबी है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे एक खामी है जहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है. सो जो भी ये कुछ हुआ है, उनकी आत्मा की शांति के लिए एटलीस्ट एज अ सिटीज़न, एज अ पंजाबी, हमारा फ़र्ज बनता था कि हम एक ऐसी मीटिंग करें जिसमें उनके सारे महाराष्ट्र के, मुंबई के फैंस आके माथा टेक सके और उनको एक होमेज और रिस्पेक्ट दे सके. म्यूज़िक इंडस्ट्री से बात की जाए, क्योंकि तो आप काफ़ी जुड़ी हुई हैं पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी, तो कैसा रिस्पांस रहा? कल पंजाब में भी प्रेयर मीटिंग है, आज आपने यहाँ रखी है, तो व्हाट वाज इट लाइक? कल उनके फैमिली की तरफ से वहाँ पे पंजाब में मंडी ज़िले में सिरसा में मानसा में मीटिंग रखी गई है. बहुत ही बड़ा जलसा टाइप वो होगा, मतलब बहुत सारे लोग, उनके फैन देश विदेश से वहाँ पे पहुँचेंगे और उनको, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जितनी भी जी है, छोटी सी उम्र में 5-6 साल में उन्होंने इतनी तरक्की हासिल की है कि आज हॉलीवुड में ले लो या बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे ले लो, सब उनके लिए एक मैसेज भेज रहे हैं. सो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लिए भी ये बहुत फ़ख्र की बात है कि सिद्धू मूसेवाला ने हमारे देश के लिए जो भी कुछ किया है, हमारे छोटे से ज़िले से आके जहाँ पे उन्होंने बोला था कि वहाँ पे बस भी नहीं जाती थी, आज उन्होंने इतनी बड़ी हवेली खड़ी की है वहाँ पे. उस हवेली में वो रह भी नहीं सके, जिस हवेली को बनने में 3-4 साल लगे, वो मुश्किल से 3-4 महीने भी उस हवेली में नहीं रह सके अपने माँ बाप के साथ. सो उनके साथ जो भी किया गया है वो बहुत ही गलत है. और कल जो उनकी प्रेयर मीटिंग रखी गई है, मैं इल्तिजा करना चाहूँगी उनके सारे फैंस को कि आप बढ़ चढ़ के वहाँ पर पहुँचो, बिकॉज़ अगर हम अपनी तरफ से एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया और ऊपर वाला हमारे साथ चल पड़ता है, मेरा ये मानना है. हमारी गुरबाणी में लिखा है कि जो आया सो चलसी, सब की आई बारी हो, कि जो आया है सब ने जाना है, सब की बारी आएगी. लेकिन ये बारी बारी नहीं थी, ये किसी बैरी ने उनको कत्ल कर दिया. और मुझे इतने अच्छे इंसान थे, उनकी पहली पंजाबी फिल्म में मैंने भी काम किया था, तेरी मेरी जोड़ी. और आज मुझे ये पता ही नहीं चल रहा कि मैं किसी दोस्त को अफसोस करने आया हूँ, किसी भाई का अफसोस करने आया हूँ, किसी कलाकार का अफसोस करने आया हूँ, या अपने बेटे का अफसोस करने आया हूँ. पंजाबी बोली कितनी सेवा की उन्होंने कि मरते दम तक उन्हें पंजाबी बोली से अपनी माँ बेटे जैसी सांझ बना के रखी. और आज मुझे लगता है कि पंजाबी जो बोली है उसका एक अक्षर मिट गया. भगवान उनकी आत्मा की शांति दे, ये अरदास कर सकते हैं. उनके माँ बाप को शांति दे, उनको ये दुख तकलीफ है कहना बहुत मुश्किल है. एक बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे सरदार प्रकाश सिंह बादल, भगवान उनकी लंबी उम्र करे, जब उनकी बीवी का देहांत हुआ श्रीमती प्रकाश कौर का, तो बादल साहब ने कहा था कि हम सबको कहते हैं कि बोलो तेरा बना मीठा लागे. दुनिया को हौसला देना बहुत आसान है, लेकिन जब अपने आप ही बीतती है फिर पता चलता है. और आज हमारा वही हाल है, अब हम पे बीत रही है. हम ये किस मुँह से कहें कि तेरा बना मीठा लागे, लेकिन क्या करें, कहना ही पड़ता है. तो मैं यही कहूँगा कि भगवान उनके माँ बाप को शांति दे, और हम सब को ये समझें कि जितने हम हैं सब उनके बच्चे हैं, हम सब सिद्धू मूसेवाला हैं. कभी हमारे ज़रूरत पड़े हम हमेशा उनकी सेवा में उनके चरणों में हाजिर हैं. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. नहीं, मेरे फिल्म एक ही फिल्म थी तेरी मेरी जोड़ी, आमने सामने सीन नहीं थे, लेकिन बहुत नेक इंसान थे और इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे थे कि नज़र लगी बस. और कुछ नहीं कहते.
जिस तेज़ी से उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है, इतने बड़े बड़े ड्रेक जैसे आर्टिस्ट उनके लिए जो मैसेज ट्वीट कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं पे उनकी तरक्की से लोग खुश नहीं थे। तो मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते आप सबको हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एक दूसरे से इनसिक्योर होना बंद करो। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका साथ दो, उसकी खुशी में शामिल रहो, मत लड़ो। छोटी सी जिंदगी है, उसको भी खोने के लिए तत्पर मत रहिए। प्लीज़ एक दूसरे का साथ दीजिए। आर्टिस्ट यू नो आर्टिस्ट हमेशा अकेला होता है, इज ऑलवेज अलोन। और सिद्धू भाई के बारे में सुनकर के जाहिर बात है ना सिर्फ मुझे पंजाब को, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जो उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, जाहिर बात है उन्हें बहुत बुरा लगा है। और इट्स ऑलवेज एन इनसिक्योर लाइन नो। आप काम भी करते हैं तो आप इनसिक्योर होते हैं, इन द एंड ऑफ द डे आप हर चीज़ के लिए आप अकेले होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो बड़ी बड़ी ख़राब बात है, बड़ा सैड लग रहा है। और आज एक ट्रिब्यूट देने के लिए जो है हम चार एकजुट हो रहे हैं। ये कोशिश है कि इंडस्ट्री एक परिवार है और एक साथ हैं हम, और उनके माता पिता के साथ जो है, ठीक है हम वहाँ जा नहीं सकते फ़िलहाल अभी, लेकिन यहाँ से खड़े होकर के एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं, ये प्रयास है। थैंक यू। पंजाब नहीं पूरे वर्ल्ड में
बिल्कुल बहुत दुख की घड़ी है और लाखों फैंस, लाखों चाहने वाले जो हैं सिद्धू मूसेवाला जी के, वो पिछले अनेक दिनों से बहुत ही परेशान भी हैं और दुख में हैं कि अचानक हमारा भाई, हमारा हरमन प्यारा सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप सिंह जिसका असली नाम था, वो हमारे बीच से चला गया है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो कोई अपनी गलती से नहीं गया है। ऐसा वाक्या घटा कि उनकी सिक्योरिटी कम हुई, उनकी सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन को सरकार ने ठीक से समझा नहीं और उसके कारण उनके पीछे कुछ लोग जो लगे हुए थे, उन्होंने दहशतगर्दों ने उनकी हत्या कर दी है। आज मुंबई में चार बंगला गुरुद्वारे में उनके सभी प्रेमियों ने यहाँ पर उनकी याद में कीर्तन रखा हुआ है। ऐसे कीर्तन पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर हर चाहने वाले ने रखे हैं। हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। आज चाहे सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत जो है वो सदैव रहेंगे, उनके विचार जो है वो सदैव हमारे बीच रहेंगे, युवाओं को प्रेरणा देते रहेंगे, हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। हम आज उनको मुंबई में यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार पर जो ये संकट आया है, जो ये घटना घटी है, सतगुरु पातशाह उनको परिवार को शक्ति दें कि ये जो वाक्या घटा है उसको वो बर्दाश्त कर सकें। जिन्होंने सपोर्ट किया मेरे छोटे से उपराले को, एंड मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो भी कुछ घटनाएं हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। अभी पीछे जो शब्द लगा हुआ है वो शब्द मेरे दिल के बहुत करीब है, कहाँ गए बाबा बोलते थे कहाँ गए। तो इसलिए मेरी आंखें नम हो गई कि आज हमारी जो हालत है, हम एक फैंस थे, उनकी उनके माँ बाप की क्या हालत होगी, उनके परिवार की क्या हालत होगी। मैं उनकी अगर नज़र से देख रही हूँ तो मेरा मन बार बार भर रहा है। मैं बिल्कुल पंजाबी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे पहले तो, और उनके परिवार को वो ताकत दे जो शायद मेरे शब्दों में है कि मैंने बोल दिया, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि जिसका बच्चा चला जाए, मतलब जिसका बेटा चला जाए, उन माँ बाप पे क्या बीत सकता, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। और मैं पंजाबी इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ और वो इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा लॉस हुआ ही हुआ है, साथ में जितने फैंस, मतलब जो प्रसिद्धि कह लो कि जो भाई ने 5 साल में किया ना, लोगों को 50 साल लग जाते हैं तो, लेकिन ये हशर होगा या मतलब ये अंजाम होगा भगवान या ऐसा किसी के साथ, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और आज हम उनकी आत्मा की शांति के लिए इकट्ठे हुए हैं और गुरप्रीत चड्ढा जी ने, चरणजीत सपरा जी ने मतलब जो भोग रखा है, तो बस यही दुआ करेंगे सब मिलकर कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके माँ बाप को शक्ति मिले वो ये दुख सहन कर सकें। और इन फ्यूचर भगवान से ये अरदास करते हैं, गुरुद्वारे में आए हैं, परमात्मा से वाहेगुरु से बोलते हैं कि ऐसा फिर कभी ना, ये दुआ करें। देखो बिल्कुल ये एक ऐसा लॉस है जिसे मुझे लगता नहीं कि कोई पूरा कर सकता, क्योंकि जो सिद्धू मूसेवाला की जो शख्सियत थी, जो उनका टैलेंट था, मैं भी उनको मतलब बहुत ज़्यादा सुना, उनका जो लिखना था या उनका गाना था
जो दुनिया उनको प्यार करती थी, और उस तरह का आर्टिस्ट इतनी जल्दी मुझे लगता मुझे दिखता नहीं कि बहुत जल्दी उनकी कोई कमी पूरी कर पाएगा। और जिस दिन से ये सुना है मैंने, और मैं एकदम मतलब बार बार वो चेहरा एक हमेशा नज़र आता है सिद्धू भाई का, एक ऐसी कमी है जो मुझे लगता नहीं कि वो पूरी कोई कर सकता है। बहुत बहुत ज़्यादा बहुत कमी है, बहुत बड़ा लॉस है, नॉट इवन म्यूज़िक इंडस्ट्री को, हमारे जो सिख कौम है उसको बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि मूसेवाला को देख के बहुत लड़कों ने पगड़ी बांधना शुरू कर दिया था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह का कलाकार, इस तरह का सिंगर, इस तरह का इंसान बहुत जल्दी मुझे नज़र नहीं आता। देखो जी, पहले तो मतलब दो तीन दिन तो मैंने खुद नू लगे इस शौक तो निकलन कि ही इज़ नो मोर, बट मैं सिर्फ इको गल कहना चाहवागा कि ये जी एक्टिविटीज़ हो रही है ये बहुत ही गलत साइन जाता है पंजाब नू, तो ये सारिया एक्टिविटीज़ बंद होनी चाहिए। बिकॉज सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही मनी परमनी जी परसनैलिटी हैगी है, ये कल नू साढ़े सारे दे नाल भी हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट नू एक स्ट्रिक्ट रोग ये उत्ते लगाना चाहिए। बिकॉज असी सारे अज गल जो कर रहे हैं, बट उदी फैमिली दे उत्ते की बीत रही है ये सानू नहीं पता। मतलब जदों एक फैमिली का बच्चा बैचलर बच्चा चला जाता है, आई थिंक इस तो बुरी घड़ी एक फैमिली वास्ते मेरे हिसाब नाल नहीं हो सकती है। तो मतलब वो पेरेंट्स का दुख असी बयां भी नहीं कर सकते कि वह किन्ने ज़्यादा दुखी होने हैं, और सारी उम्र जी बाकी दी उम्र उन्होंने बची हुई है वह किन्ने दुख तकलीफा परेशानियों के नाल कट्टन गए, वी कांट इवन इमेजिन। तो मतलब मेरी तो बस एक बेनती हैगी है सरकार को कि इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के जो गैंगस्टर्स गैंगस्टर राइवलरीज जी है उन्होंने उत्ते सख्त कार्रवाई करके उन्होंने रोकना चाहिए। बिकॉज पंजाबी इंडस्ट्री दे विच ए चीज़ां जे होन गियां तां पंजाबी इंडस्ट्री विल फिनिश, एंड जे पंजाबी इंडस्ट्री फिनिश होगी तो यू नो वॉट विल हैपन। दैट्स ऑल, थैंक यू। Yeah.
Thank you.